आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करें। हरियाणा से मेघराज हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। हेलो पूछिए मैडम, मेरे पास जियो पूछिए सर, फाइनेंस सवाल की सिम पूछिए। है 16,000 एट द रेट ऑफ अच्छा, 235, ओके। और मैं लॉन्ग टर्म इसको लगभग मोर देन 4 to 5 ईयर में होल्ड कर सकता हूँ इसको। बिल्कुल, 235 पर 16,000 शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इनके पास। मुनाफे में हमारे दर्शक शिवांगी, लंबे अवधि का इनका नजरिया है। क्या स्ट्रैटेजी इनके लिए आप सजेस्ट करेंगी इस स्टॉक में? हाँ जी बिल्कुल, जियो फाइनेंस आपने काफी एक अच्छे लेवल्स पे बाय किया है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और हमने ये कई बार जी बिजनेस पे रेकमेंड भी किया है। पिछले हम देख रहे हैं कि 5 महीनों से कंटिन्यूअसली हायर हाईज हायर लोज बनाया है इस स्टॉक ने, एंड काफी एक अच्छी बाइंग है। कंपनी बैकिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरी राय रहेगी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हम बने रहे। 410 का एक इमीडिएट टारगेट्स है जो बनते हुए दिखेगा, एंड इवेंचुअली अगर हम बिल्कुल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो 450 तक के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जियो फाइनेंस लॉन्ग टर्म व्यू मीन आपका वो लॉन्ग टर्म कॉल एकदम सटीक पड़ता जा रहा है जियो फाइनेंस पे भाई साहब। बिल्कुल, आपने कहा था कन्विक्शन के साथ बैठे रहने का। जियो फाइनेंस लॉन्ग टर्म व्यू मीत भवसार पूछ रहे हैं, कुछ बदला आपके आउटलुक पे रिव्यू में, ऐसे रीअसेस करा आपने? नहीं, हमने लिया था लोएस्ट डे का दे लिया था, जो लोएस्ट। वो तो आपने तो गजब बाइंग करी थी, वो तो यस आई रिमेम्बर। अब इसका सेटअप जो है अभी 372 पे चल रहा है, इसका सेटअप 500 का है। टाइम लगेगा लेकिन 500 का नजरिया है, तो 372 500 फिर भी 130 रुपए का फायदा है, 370 पे 130 रुपए का फायदा है, 50% यहाँ से आप मूव होगा। उस समय तो 2.5 times होता, लेकिन अब भी 50% का अपमूव बाकी है। स्टॉप लगाना है, नहीं लगाने की जरूरत है। 340 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जियो फाइनेंस अभी आप